नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से आ रही है, जहां पर आतंकवादियों ने एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाया है और आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या अब 4 तक पहुंच गई है। राजौरी जिले की यह घटना है, एक घायल नागरिक की अस्पताल में मौत हो गई है। इस घटना में दूसरे जो घायल 9 लोग हैं उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। राजौरी का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों का कहना है कि उसमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर भी बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों में से कुछ को जम्मू ले जाना पड़ा है। घटना बीती शाम डांगरी गांव में हुई है। 2 सशस्त्र आतंकवादी 3 घरों में घुस गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों को पकड़ने के लिए फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। पीड़ितों की पहचान दीपक कुमार, सतीश कुमार और प्रीतम लाल और शिवपाल के रूप में हुई है। आपको याद होगा 16 दिसंबर को सेना के एक शिविर के बाहर 2 लोगों के मारे जाने के बाद पिछले 2 हफ्तों में राजौरी जिले में नागरिकों की हत्या की ये दूसरी घटना सामने आई है। तो यहाँ पर आपको सुनवाते हैं जम्मू के एडीजीपी का क्या कुछ कहना है। 2 आतंकी आए थे जिन्होंने 3 घरों को निशाना बनाया। अपर डांगरी के गांव का इलाका था जो थोड़ा सड़क से हटके है, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, 5 और जख्मी हैं। जो 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं वो अभी स्टेबल हैं। राजौरी में भी जो जख्मी हैं वो भी स्टेबल हैं। तलाशी अभियान जारी है। पुलिस, CRPF और आर्मी के ट्रूप्स ने उसे पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। सर, अभी तो कुछ पता चला है कि कौन संगठन इसके सब? अभी इसकी ये जानकारी नहीं है, अभी तफ्तीश करेंगे तो पता चलेगा। तो आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ पर पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हम थे बैठे हुए सभी, ये भी अपने अंदर थे, आए उधर से आए, ऊपर से आए जी। मेरा देर है ये, आए मेरा देवर है, दरानी उसके बच्चे, आए आए वो भैया जी, मेरे देवर की डेथ हो गई है। 3 और हैं गांव के, 4 आदमियों की डेथ हो गई है। 2 लोग थे भैया, गेट से अंदर फायरिंग किया उन्होंने, ये देखो ना निशान पड़े हुए हैं। आए हमें नहीं पता चला, हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। आए बच्चों, अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी, मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे से मेरे छोटे छोटे वो घबराने लगे, बोले पापा इधर आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, राजौरी में ही ये दूसरी घटना हुई है। 16 दिसंबर को भी हमने देखा था कि शिविर में किस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी और यहां पर अब एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं आतंकी लगातार। क्या कुछ हुआ यहां पर? बिल्कुल, आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। साल का पहला दिन था जब लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और उस दौरान जो है 2 जो संदिग्ध आतंकी आते हैं और एक खास समुदाय के लोगों पर निशाना बनाते हैं। खास तौर से 3 घरों को निशाना बनाया गया है 50 मीटर के दायरे में, और जो अंधाधुंध जिस तरह की फायरिंग करते हैं, एक लोग बीच में एक दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, और इस गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 से ज़्यादा जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को जैसे इस बात की जानकारी लगती है पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, और अभी जो जानकारी मिल पाई है खासतौर से जो डोंगरी की जगह की बात करें वो राजौरी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो पूरा जो रास्ता है कि राजौरी से जो जम्मू जाते हैं या फिर जो पुंछ की तरफ जाते हैं वो उससे सटा हुआ इलाका है, और वो पूरा इलाके में जितनी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है पुलिस बकायदा उसकी चेकिंग कर रही है। पुलिस का ये कहना है, सेना के भी से जानकारी मिल पा रही है कि पूरे इलाके घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि रात का वक्त था, घना अंधेरा था, यही वजह से कि सफलता नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उन्हें सफलता मिल जाएगी, जिन्होंने इस तरह के कायराना हरकत की है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको ये भी बता दें कि लोग जो है वहाँ बकायदा नाराबाजी कर रहे हैं और सुरक्षा बलों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी,
बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर लोगों में भी नाराजगी है, डरे हुए तो हैं ही लोग, लेकिन नाराजगी, और आज बंद का भी आह्वान किया गया है वहां पर। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, वहां लोगों ने पूरे इलाके में बंद का आह्वान किया, बीजेपी ने समर्थन किया है, लोग मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल जो है वहां पर आए, तभी जो है जो मृतक जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खासतौर से लोगों की नाराजगी इस बात को है कि आतंकी जो है दहशत फैलाने के लिए जिस तरह का आम लोगों को टारगेट बना रहा है, निशाना बना रहा है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी है। और जिस तरह के आतंकी कोशिश कर रहे हैं एक खास समुदाय के लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई है, दो लोग आते हैं हथियारबंद आते हैं संदिग्ध आतंकी जिनको सुरक्षा बलों द्वारा बताया जा रहा है, और वो इस तरह से खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तो साफ तौर पर ये था कि लोगों को एक डर फैलाना था, दहशत फैलाना था, इस तरह की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि अब आतंकियों के पैर उखड़ रहे हैं, जमीन पर उनके पैर नहीं है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इस तरह की फायरिंग कर रहे हैं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई संगठनों ने वहां पर बंद का आह्वान किया है और बीजेपी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। राजौरी अस्पताल के बाहर जमा हुए थे कुछ लोग, वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। और इतना ही नहीं, लोगों का ये भी यहां पर कहना है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो खुद लोगों से मुलाकात करने आए, वो लोगों को आश्वस्त करें, भरोसा उनका बढ़ाएं। और एक और खबर दिल्ली से आई, दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई। बाहरी दिल्ली में 5 कार सवार लोगों ने स्कूटी पर जा रही एक लड़की को टक्कर मारी और उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा है। इस दौरान लड़की का शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो गया, यहां तक कि इतने किलोमीटर तक घिसटने के बाद उसके कपड़े तक फट गए। उस लड़की की मौत हो गई है। ये कार सवार बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी से कंझावला तक लड़की को घसीटते हुए ले गए। इसके बाद लड़की सड़क पर लहूलुहान पड़ी रही और उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कार में बैठे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का यहां पर यह कहना है कि वो शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाने चल रहे थे, इसलिए उन्हें पता तक नहीं चला। पुलिस इस वारदात को अभी दुर्घटना बता रही है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नए साल का वक्त था, लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ इस वक्त उमड़ती है, ऐसे में 10 से 12 किलोमीटर तक अगर उस लड़की को घसीटा गया तो आखिर पुलिस कहाँ थी उस वक्त, क्यों नहीं किसी को उस वक्त जानकारी मिली? अगर वक्त रहते लड़की को इलाज मिल जाता तो हो सकता है कि उसकी जान भी बच जाती। यहाँ पर आपको जो लड़की है उसके परिवार और इसके रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। अब हमारी बड़ी वाली बहन के पास 7:30 बजे 8 बजे फोन आता है कि एक्सीडेंट हुआ है आपकी लड़की का, वो वहाँ संजय गांधी में पोस्टमार्टम रूम में है। तो हमारी बहन को थाने में बुलाया है और कोई वो जगह नहीं दिखाई। थाने में दोनों की गाड़ी खड़ी हुई थी, दोनों छोटी वाली भांजी की और बलिनों से जिससे उड़ाया है, जिससे एक्सीडेंट किया, वो गाड़ी के नीचे भी इतना ब्लड है और साइडों में धब्बे भी लगे हुए खून के। ठीक है, 5 जने उस केस में इन्वॉल्व है। जो ये केस सैम निर्भया जैसा है जिसके कारण इन लड़कों ने मेरी भांजी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि इस केस को सख्त से सख्त छानबीन की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा सर। एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मुझे पूरी जाँच चाहिए, बस इंसाफ की जाँच। सब मैंने जैसे सुबह 3:18 पर सोफा ली थी अपनी, ये सोफा अपनी दूध का काम अपना, गाड़ी का वेट कर रहा था मैं, गाड़ी आई नहीं थी दूध की, उसके चलते मैंने वहाँ सब तक दुकान खोल ले गाड़ी आ जाएगी, तो पीछे से आवाज़ आती देखी, 100 मीटर पीछे गाड़ी थी वहाँ, खंजावला साइड से आ रही थी और कुतुबगढ़ साइड जा रही थी, तो आवाज़ आ रही थी जैसे टायर फट रहा है गाड़ी का। वो बिल्कुल जब सामने आ गई तो पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पर, तो उन्होंने फिर दोबारा रिपीट किया। मैंने बताया मैम ऐसे ऐसे है, डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की। उसके दोबारा कॉल वापस आने के बाद उसने पूछा मेरे से कि डेड बॉडी है, आप कफन में है डेड बॉडी या वैसे है? माँ कफन में नहीं है, नगन अवस्था में है, ये पहचान नहीं जा रहा, लेडीज है जेंट्स है क्या है वो पता नहीं था। गाड़ी सूरी चली गई,
तभी जस्ट दो चार मिनट के बाद हमने जनाब का फोन आया था पीसीआर से, अगर भाई कौन बोल रहा है, साहब ऐसे ऐसे कहाँ है, माँ यहाँ है, सब बोला गाड़ी किधर गई, माँ गाड़ी उधर गई। बात करते करते 3:30 पर गाड़ी रिटर्न आ रही है वहाँ से यू टर्न करके बिल्कुल दुकान के सामने, दोबारा गाड़ी दोबारा सामने आ गई। मैंने बोला माँ साहब गाड़ी दोबारा मेरी दुकान के सामने है, अब कंजावला साइड जा रही है। बोले बोला चलो ठीक है, हम भी आ रहे हैं, हम पंजाब खोड़ खड़े हैं। माँ ठीक है जनाब आ जाओ। मैं स्कूटी लेके मैं गाड़ी के पीछे पीछे हो लिया, यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे से उसने यहाँ ये क्या हराज सिंह मॉल है उसके सामने से फिर गाड़ी घुमा दी। गाड़ी वहाँ से घुमाने के बाद मैंने उसके 50 मीटर का गैप था, मैंने उसके पीछे पीछे स्कूटी घुमा दी अपनी। उस टाइम गाड़ी उसके नीचे फंसी हुई थी तब तक भी, मतलब 3:30 पे जब गाड़ी यू टर्न करके आई तब भी फंसी हुई थी, और आगे गई तब भी फंसी थी। उसके पीछे पीछे फिर मैं दोबारा आया, पीछे पीछे आए तो यहाँ अकेडमी है, अकेडमी पे एक लड़का मिला मेरे को, बोला रुक भाई रुक, माँ क्या हुआ, बोला उस गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। मैं हाँ माँ भाई प्रशासन गेला लाइन पे है और माँ उससे पीछे लग रहे हैं। बोला ठीक है माँ भाई रोक थोड़ी सके हैं, अगले ने अगला एक लाश गेला ले रहा है, दूसरी बनाते कुछ नहीं लगता इसने, माँ उसके पीछे पीछे हैं। फिर मेरी गाड़ी थी यहाँ बोलेरो गाड़ी है लोडिंग वाली, मैंने भाई बोला माँ गाड़ी निकाल जल्दी से, और माँ ऐसे ऐसे डेड बॉडी है उस गाड़ी के पीछे, नीचे की डेड बॉडी फंसी हुई, माँ उसका पीछा कर। वो इतने 400-500 मीटर आगे निकली गाड़ी अपने से, हम उसके पीछे गए, लड़की धूंधी भी थी। फिर जैसे उसने जोड़ती से यू टर्न किया ना दोबारा, जिस कट से उसने गया उससे अगले कट से मैंने कर दिया, उससे पहले 50 मीटर पहले कट था उससे मैंने घुमा दी गाड़ी। गाड़ी घुमाने के बाद मेरे को दिखा माँ गाड़ी तो यही है, पीछे पीछे चले गए मैं उसके। मेरे को यहाँ लाडपुर में आने के बाद पता चला कि इसके नीचे डेड बॉडी नहीं है अब, क्यों मैं बगल में गाड़ी बराबर में लाने के बाद दिखाई दिया, मैं डेड बॉडी नहीं है इसके नीचे, मैं डेड बॉडी पड़ गई। मैंने तभी प्रशासन को बताया, लाइन पे थे वो, माँ साहब मैं इसके पीछे यहाँ हूँ और डेड बॉडी इससे निकल ली है, वो कहीं गिरी हो अब ये नहीं पता। तो ये प्रत्यक्षदर्शी को आपने सुना, वो किस तरह से बता रहे हैं कि कितना लंबा कई किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया है, लेकिन वहां पर कोई संभालने वाला नहीं था, वहां कोई देखने वाला नहीं था, और इसीलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस वहां पर कहां थी और वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी। यहां पर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए, उनका बयान सुनवाते हैं। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ क्या? दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इश्यू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। तो अब नजर इस बात पर रहेगी कि दिल्ली पुलिस ये जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने माना है कि वो नशे में थे और उस चलते उन्हें पता नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की आ गई है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है, किस तरह की सजा उन्हें दी जाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है, एक्सीडेंट का केस बता रही है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी आउटर हरिंदर सिंह से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक लड़की को कार से घसीटने का मामला सामने आया है, हालांकि इसमें बाद में लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो डीसीपी आउटर हैं हरिंदर कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये पूरा मामला है, क्या मामला है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जहाँ पे किसी सेक्सुअल असॉल्ट की और मर्डर की बात हो रही है, ये एक फैटल एक्सीडेंट का केस है, जिसमें कंझावला थाना, जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक कॉल आई थी कि किसी कार से कोई व्यक्ति खींचा हुआ जा रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने कार नंबर से ऑनरशिप आइडेंटिफाई किया और उसके बाद कार के ऑक्यूपेंट्स को भी अप्रीहेंड किया। बातचीत में जो
स्थिति स्पष्ट हुई वो ये था कि कार के एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये कार आगे कंझावला की तरफ गई थी, जिसमें विक्टिम जो स्कूटी पे थी वो ड्राइव होते हुए चली गई थी। बाद में हमने पांच लड़के जो कार में बैठे थे उन पांचों को अप्रिहेंड किया हुआ है, उनकी इंटरोगेशन जारी है। विक्टिम 20 वर्ष की एक महिला थी जो स्कूटी पे थी और अपने घर जा रही थी। कार से एक्सीडेंट के बाद वो कार के नीचे आ गई और व्हील में फंसने की वजह से ड्रैग हो गई, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे काफ़ी चोट आई, क्षतविक्षत स्थिति में बॉडी थी। और इस तरह के सोशल मीडिया में गलत खबर चलाई गई कि ये सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का मामला है, जबकि ये तथ्य से बिल्कुल ही परे है और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये फैटल एक्सीडेंट है। सर, ये लड़के जो है कहाँ से आ रहे थे रात में और इनका प्रोफाइल क्या है, कौन है लड़की? लड़के मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और उसी इलाके में ही रहते हैं। एक ड्राइवर है, दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है, तीसरा हेयर ड्रेसर है, चौथा राशन दुकान चलाता है। तो शाम में ये लोग निकले हुए थे, गाड़ी से घूम के ये मुरथल तक गए थे और वहाँ से आने के बाद अपने अपने घर जाने की स्थिति में उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ से स्कूटी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। तो सर, उनको मालूम नहीं चल पाया कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है या ये जानबूझकर गाड़ी को लड़की के साथ ले गए आगे? इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि उनको पता नहीं चला होगा। हालांकि उन्होंने अपनी दलील ये दी है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम में था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन हमने केस दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा रहे हैं कि जिससे यह पता चल सके कि क्या उसी समय यह ड्रंक थे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हैं डीसीपी आउटर हरिंदर कुमार सिंह, जो बता रहे हैं कि लड़की के की दुर्घटना हुई, उसके बाद जो आरोपी हैं वो लड़की को अपनी कार में ड्रैग करते हुए करीब 4 किलोमीटर तक ले गए और बाद में उसकी मौत हो गई और उसके शरीर से इस दौरान सारे कपड़े भी घिचटते हुए जो है वो निकल गए थे। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन पुलिस का दावा ये है कि ये महज दुर्घटना का मामला है जिसमें लड़की की मौत हो गई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में, जो आतंकवादी हमला हुआ है उस खबर का। मरने वालों की संख्या जो है यहां पर 4 तक हो चुकी है, करीब 10 लोग घायल हैं। और फिलहाल वारदात के बाद राजौरी में जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई संगठन हैं जिन्होंने बंद का आह्वान किया है, सैकड़ों की तादाद में लोग इंसाफ की मांग भी करें। तस्वीरें उस वक्त की है जब अफरा तफरी वहां पर मची हुई थी और जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। और ये अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लोगों की जो नाराजगी है वो इस तरह से सड़कों पर उतर आए लोग। बंद का आज आह्वान कई संगठनों ने किया है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी का। नजीर, एक बार फिर से यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया गया है, लोगों में दहशत तो है ही लेकिन साथ में नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ खबर इस वक्त निकल कर आ रही है इस मामले में? जी, कल इस वाकये के बाद काफी वहां गुस्सा भी है, खौफ भी है और ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करीब 2 दशक तक बिल्कुल पुरामंद रहा राजौरी का इलाका और कोई जो घटनाएं नहीं घटती थी आतंकी, लेकिन किस तरह आतंकी लोगों के घरों में घुस के उनको मार दिया। 4 लोगों को मार दिया गया है, 9 के आसपास जख्मी हैं, जख्मियों से कुछ की हालत तश्वीशनाक है, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू पहुंचाया गया। ये हमले के फौरन बाद वहां सुरक्षा फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस का है, सीआरपीएफ और आर्मी ने, तीनों ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन अभी तक आतंकी जो हमलावर हैं उनको पकड़ने में या मारने में कामयाबी नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट भी अभी नहीं हुआ है कि वो भागने में कामयाब हुए हैं या कहीं किसी जगह फंसे हैं। कुल मिला के जिस तरह से ये सारा मामला पेश आया उससे लग रहा है कि एक बहुत ही घिनौनी रणनीति बनाई थी, किस तरह बेगुनाहों को एक एक समुदाय से जो है उनको मारा जाए, उन पर हमला किया जाए ताकि वो कम्युनल स्ट्राइफ वहां शुरू हो। और आज ही काफी जो कही एक गुटों ने वहां हड़ताल की काल दी है, काफी प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है और गुस्सा वाजिब भी है। ये पिछले 2 हफ्तों में दूसरी घटना है जब सिविलियन इस तरह मरे। 16 दिसंबर को वहां एक आर्मी कैंप के सामने राजौरी में 2 निहत्ते लोग मारे गए जो आर्मी के कैंप में ही वहां
मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे। आर्मी ने बताया आतंकी वहां फायरिंग में मारे गए, लेकिन लोगों और परिवारों ने बताया कि नहीं, आर्मी के एक जवान ने ही फायरिंग की उन पे। तो एक जांच बिठाई गई है जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी है। इस वाकये पे सीधा कह रहे हैं लोग कि किस तरह आतंकी उनके घरों में कल शाम 7 बजे घुसे, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की और 4 लोगों को मारा गया। हम देख रहे हैं कि पिछले साल कहीं एक टारगेटेड हमले हुए कश्मीर घाटी में, कश्मीरी पंडितों पे, बाहर से जो काम करने वाले मजदूर यहां आ रहे थे उन पे हमले किए गए, और इससे क्या हुआ कि जो यहां मुलाजिम थे कश्मीरी पंडित मुलाजिम, वो यहां से भागने में मजबूर हो गए और वो जम्मू में पिछले 7 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब जो मुलाजिम है, शेड्यूल कास्ट के जो मुलाजिम है जम्मू से जो ताल्लुक रखते हैं, जो कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, वो भी डर की वजह से भागने पे मजबूर हो गए हैं। कही है कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे थे 30 साल, कभी भी यहाँ से नहीं चले गए, हमलों के बाद वो भी यहाँ से भागने पे मजबूर हो गए। एक तरफ सरकार का ये दावा कि किस तरह मिलिटेंसी को खत्म किया जा रहा है और मिलिटेंसी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है, कश्मीर घाटी में 186 मिलिटेंटों को पिछले 1 साल में मारा गया, जितने भी मॉड्यूल टारगेटेड अटैक्स में मुलविस थे उनको मारा गया, लेकिन उसके साथ ही उन इलाके जो मिलिटेंसी से बिल्कुल खाली थे पिछले 20 साल से, एक बार फिर न सिर्फ मिलिटेंसी हमें वहां मिलिटेंट हमले हो रहे हैं बल्कि बेगुनाहों को घरों में घुस के मारा जा रहा है। राजौरी में है अगस्त के महीने में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ आर्मी कैंप पे, जिसमें 5 आर्मी सोल्जर मारे गए, उससे पहले कुछ वहां इलाके में धमाके हुए, उससे लग रहा है कि जो मिलिटेंसी की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान की तरफ से वहां घुसपैठ के बगैर मुमकिन नहीं है। हाल ही में जम्मू में 4 जैश मोहम्मद के मिलिटेंटों को एक पुलिस ऑपरेशन में मारा गया, जब वो ट्रक में सवार थे जम्मू के शहर के नजदीक ही सिद्रा में, उस ट्रक को रोक दिया गया, उसके बाद ऑपरेशन के दौरान 4 मिलिटेंट मारे गए। उनसे जो हथियार बरामद हुआ उसमें 7 AK-7 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी शामिल था। उससे साफ लग रहा है कि जो मिलिटेंसी का थिएटर है न सिर्फ यहां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है बल्कि उन इलाकों में लिया जा रहा है जहां मिलिटेंसी जो लोग जो इलाके मिलिटेंसी से बिल्कुल मुक्त थे कहीं एक दशकों से। तो एक गंभीर सूरत हाल है। आज कई गुटों ने राजौरी में बंद काल की काल दी है, तो जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है ताकि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको मार गिराया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नजीर बता रहे हैं कि दहशत का माहौल है, लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जहां आतंकवादियों की कमर टूटी है वहां पर कुछ ऐसे इलाके जो कई सालों से जहां पर आतंकी घटनाएं नहीं देखी गई थी वहां पर भी आतंकी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। और खबर आंध्र प्रदेश से आई जहां पर चंद्रबाबू नायडू की रैली में एक बार फिर से भगदड़ मची और एक बार फिर से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई सवाल ये घटना खड़े करती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का ही मामला है जहां पर चंद्रबाबू नायडू की रैली हुई और उसके बाद भगदड़ मची, 3 महिलाओं की जान यहां पर चली गई है। 5 दिनों में दूसरी बार ये भगदड़ की घटना सामने आई है। टीजीपी की रैली में चंद्रबाबू नायडू ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का यहां पर ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू की ये रैली थी और नायडू की रैली से जाने के बाद ये भगदड़ मची है। बुधवार को ही हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से नेल्लोर में टीडीपी की रैली में भगदड़ मची थी, 8 लोगों की उसमें जान चली गई थी। तो 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, लेकिन 2 रैलियों में एक के बाद एक यहाँ पर भगदड़ की खबरें आई हैं और अब तक यहाँ पर 13 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रशासन को पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुंटूर की जहां पर रैली में भगदड़ मची है। चंद्रबाबू नायडू बताया जा रहा है कि इस रैली से जा चुके थे और उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हुई और ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी इकट्ठी हो गई कि लोगों को बमुश्किल वहां से निकलने का रास्ता मिल पाया। और ऐसी स्थिति में जब भगदड़ मचती है तो खासकर महिलाएं और बच्चे जो हैं वो ज्यादा इस तरह की घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं। और यहाँ पर 3 महिलाएं ही हैं जिन्होंने जान अपनी गवाई है। तो कुल 11 लोग अब तक चंद्रबाबू नायडू की रैली में अपनी जान गवा चुके हैं। 8 लोगों ने पिछले हफ्ते ही बुधवार को नेल्लोर में जो रैली हुई थी उसमें
जान अपनी गंवाई थी और ये तीन महिलाओं की मौत यहाँ पर हो गई है और कुछ लोग अभी घायल भी बताए जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी और इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपनों को उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। प्रशासन पर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जब इस तरह की रैली होती है तो क्या उनकी इजाजत नहीं ली जाती, और अगर इजाजत ली जाती है तो फिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ये सुनिश्चित करता कि इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि नेल्लोर में जब ये घटना हो चुकी थी तो कम से कम इस बार ये माना जा रखा था कि इस तरह की घटना पेश नहीं आएगी, इस तरह की भगदड़ नहीं होगी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल होगा और पुलिस ने तमाम इंतजाम किए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर सामने नहीं आया और एक बार फिर भगदड़ यहाँ पर मची है आंध्र प्रदेश में और तीन महिलाओं ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। तो पहले बुधवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हमने देखा जहाँ पर उनका रोड शो हुआ था चंद्रबाबू नायडू का, उसके बाद वहां पर भगदड़ मची और 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। चंद्रबाबू नायडू उसके बाद अगले दिन पीड़ित परिवारों से मिलने भी गए थे, उन्होंने मुआवजे की जो राशि है वो भी लोगों को सौंपी थी, लेकिन यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और उनके जो समर्थक हैं उन पर भी सवाल है कि क्यों नहीं जब पिछले हफ्ते ही ये घटना हुई थी तो इस बार ये सुनिश्चित उनकी तरफ से भी किया जाता, प्रशासन की तरफ से भी किया जाता कि नेल्लोर जैसी घटना जो है वो दोबारा कम से कम पेश ना आए, लेकिन एक बार फिर से लापरवाही बरती गई, भीड़ को नियंत्रित करने के कोई बेहतर इंतजाम यहाँ पर नहीं थे, फिर से भगदड़ मची है, तीन महिलाओं ने यहाँ पर अपनी जान गवाई है। 2024 के जो चुनाव आने जा रहे हैं उसके लिए चंद्रबाबू नायडू लगातार रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों में वो पहुंच रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लेकिन ये वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आखिर भीड़ उनकी जब रैली में इकट्ठी हो रही है तो उसका उसे नियंत्रित कैसे किया जाए, उसका इंतजाम कैसे किया जाए, और सबसे बड़े सवाल यहाँ पर आंध्र प्रदेश के प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की रैली जो हो रही है उसमें भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उसके बाद भगदड़ मचती है, लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पर प्रशासन और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान जा रही है लेकिन कोई इंतजाम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नहीं किए गए हैं। उमा सुधीर हमारे साथ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। उमा, ये बेहद आश्चर्यजनक मामला है क्योंकि नेल्लोर में हमने देखा था कि एक बार ये घटना हो चुकी थी, उनके रोड शो में भगदड़ मची थी, 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो ये माना जा रहा था कि कम से कम दूसरी बार ऐसी घटना ना हो, इस बात का ध्यान चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी भी रखती और प्रशासन को वही रखना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर तीन महिलाओं की जान चली गई है। कल चंद्रबाबू नायडू ने एक्चुअली एक आम सभा रखी थी विकास नगर में और वो आम सभा के लिए इंतजाम बहुत सही तरीके से हुआ था और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल कहना चाहिए एक तरह से था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो, लेकिन उसके बाद एक फ्रीबी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था जिसमें साड़ियां बंटनी थी और कुछ गिफ्ट बंटने थे जिसको कि चंद्रन्ना संक्रांति कानुका यानी कि संक्रांति के लिए साड़ियां और कुछ चीजें एक एनजीओ के साथ मिलकर तेलुगु देशम बांट रही थी और उसके लिए भी इंतजाम काफी कहा जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुआ था। 30,000 लोगों को कूपन भी बांट दिए गए थे और 24 ऐसे काउंटर रखे गए थे जहां पर यह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 4,000 से ज्यादा महिलाओं ने ले भी लिया था और जो क्यूज बनाए गए थे उनके लिए जो बैरिकेड्स बनाया गया था उस पर काफी एक प्रेशर कहना चाहिए कि बड़ा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद सामान खत्म हो जाएगा और इसलिए वो लोग एकदम से वहां पे आ गए और एक बैरिकेड गिर गया और जिसमें कुछ महिलाएं गिर गई और उसके बाद यह भगदड़ मच गई। अगर आप कहें तो चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को जिम्मेदार क्या ठहराया जाना चाहिए, जगनमोहन रेड्डी का तो यही कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है और वो चाहते हैं कि एक तरह से दिखाया जाए, जताया जाए कि उनकी जो सभाएं हैं उसमें बहुत सारी भीड़ आ रही है और इसीलिए उनका कहना था कि नेल्लोर में भी जब वो घटना हुई तो उनका कहना था कि जहां तक उनको
परमिशन थी जो एक ट्राई जंक्शन पे वो रोड शो कर सकते थे, उसके आगे भी वो 20 या 30 फीट आगे निकल गए थे एक नैरो सड़क की तरफ, जहां पर बहुत सारा भीड़ जमा हो गया था और जिसमें कि लोग नाले में गिर गए थे और 8 लोगों की मौत हो गई। इस वाली घटना में पुलिस क्या एक्शन लेगी इस पर काफी नजर है लोगों की, क्योंकि पहले वाली केस में भी 174 केस बुक हुई थी लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात अब तक पुलिस ने नहीं की है। उनका कहना है कि कुछ लीगल ओपिनियन वो ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू को इसमें लायबल ठहराया जा सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और पुलिस ने क्या एडिक्वेट इंतजाम नहीं किए थे इस बात पर भी जांच तेलुगु देशम मांग रही है। और उनका कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस जब अपना यात्रा कर रहे थे, जगनमोहन रेड्डी जब अपनी यात्रा कर रहे थे तब तेलुगु देशम रूल में थी और उन्होंने काफी इंतजाम किए थे, और उनका कहना है कि जब वाईएसआर कांग्रेस अब शासन में है तो उन्होंने अरेंजमेंट्स एडिक्वेटली नहीं की है, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी रहेगा। हालांकि 2024 में जब जनरल इलेक्शन और राज्य के इलेक्शन होने हैं उसकी तैयारी में चंद्रबाबू नायडू ये रैलीज कर रहे हैं, और उन्होंने कंदुकूर के मामले के बाद भी, बुधवार के घटना के बाद भी अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम जारी रखा। अब एक सूत्र का कहना है कि कुछ नियम ऐसे लाए जाएंगे ताकि पब्लिक मीटिंग्स या जो रोड शो हैं वो शहर के अंदर नहीं जाएंगे, कोई खुली मैदान में जाएंगे ताकि ऐसे भगदड़ के सिचुएशंस ना पैदा हो। बैक टू यू। बिल्कुल उमा, यहाँ पर आरोप चाहे चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पर लगाएं, चाहे जगनमोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर लगाएं, लेकिन बात यह है कि ये घटनाएं हो रही हैं और जो निर्दोष लोग हैं वो अपनी जान यहाँ पर गंवा रहे हैं, ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से ये मुआवजा देकर या एक दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये राजनीतिक अगर आप एक्सचेंजेस या एक्यूजेशंस बताएं वो एक तरफ है, दूसरा लोगों को भी गुस्सा आने लगा है कि आप अपने राजनीतिक जो फायदे हैं उसके लिए आप अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग ये आप कह सकते हैं बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको साड़ी की आशा में हजारों की संख्या में महिलाएं वहां पे जमा हुई थी और अपना साड़ी लेने के लिए बताया जा रहा है कि दोपहर से ही इस मीटिंग के लिए भीड़ को जमा की गई थी और जब तक चंद्रबाबू आए तब तक भी 4 घंटे बीत चुके थे और उसके बाद कूपन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनको ये साड़ियां मिलनी थी और पहली तारीख ही साल की लोग अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि एक गिफ्ट्स का जब मामला आता है तो लगता है कि चलो हम भी अपना ले लें, और इसीलिए इतनी सारी महिलाएं वहां पे जमा हुई थी और ऑर्गेनाइजिंग में शायद काफी कुछ कहना चाहिए कि गड़बड़ थी जिसकी वजह से इतनी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई और जाने चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उमा बता रही हैं कि यहां पर मुफ्त साड़ियां, जो चंद्रबाबू नायडू की रैली थी वो हो चुकी थी, उसके बाद मुफ्त साड़ियां बट रही थी जिसके लिए ये जो भीड़ है ये और उमड़ गई, जो महिलाएं थी उनकी भीड़ बढ़ती चली गई साड़ियां लेने के लिए, और उसके बाद वहां पर एक बैरिकेड गिरा और उसके नीचे कुछ महिलाएं दब गई और उसके बाद ये भगदड़ की स्थिति जो है वो पैदा हुई। 3 महिलाओं की अब तक इसमें जान जा चुकी है, कुछ घायल हैं लोग इसमें जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से यहां पर बचती हुई नजर आ रही हैं। और आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर फैसला आने जा रहा है। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसकी वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ में चल रहा है। 7 दिसंबर को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब आज इस पर फैसला आना है। इस मामले में 58 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने नोटबंदी को असंवैधानिक बताया था, कहा था कि बिना नियम कानून के 86% नोट बंद कर दिए गए। सरकार ने नोटबंदी के फैसले से पहले की जो प्रक्रिया थी उसकी भी ठीक से जानकारी नहीं दी, और इस बात को लेकर कई तरह की याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई कि आखिर जो फैसला लिया गया उस फैसले को लेने की प्रक्रिया क्या थी, किन लोगों से सलाह की गई थी, इस तरह के कई सवाल जो थे वो यहां पर उठाए गए। तो 5 जजों की जो बेंच है वो इस मामले पर आज फैसला सुना सकती है। जस्टिस एस ए नजीर हैं, जस्टिस बी आर गवई हैं, जस्टिस बी वी नागरत्ना हैं, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की ये बेंच है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन 5 जजों की बेंच इस मामले में आज फैसला सुनाने जा रही है। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव जुड़ने जा रहे हैं। आशीष, ये
बहुत बड़ा मामला था। नोटबंदी एक ऐसी चीज हुई थी हमारे देश में जो अप्रत्याशित थी और जिसको लेकर कई सवाल भी उठे और अब तक उसको लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान नोटबंदी के दौरान गंवाई थी, लाइनों में लगे हुए थे। उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको लेकर आज भी जो वाद विवाद है वो हम देखते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने जा रहा है, जो इसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा दिन है। हालांकि शुरू में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि आप 6 साल बीत चुके हैं नोटबंदी पर, अब क्या आगे इसका सुनवाई हो, ये मामला एक तरह से निष्प्रभावी हो गया, क्यों नहीं इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी और कहा कि ये मामला निष्प्रभावी नहीं हुआ है, इसमें आगे की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को तय करनी चाहिए कि भविष्य में अगर नोटबंदी करनी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या हो। और इसके बाद पूरा मामला पलट गया था, नोटिस जारी हुआ था केंद्र सरकार और RBI को और जवाब मांगे थे। हालांकि केंद्र सरकार का ये कहना था कि ये आर्थिक नीतिगत फैसला है, अदालत को इसमें नहीं जाना चाहिए। ये जो है नोटबंदी का फैसला टेरर फंडिंग, काले धन को रोकने, टैक्स चोरी को रोकने और जाली नोटों का जो व्यापार है उसको रोकने के लिए था। महाभारत का उदाहरण भी दिया कि जिस तरह जरासंध को चीर दिया गया था 2 हिस्सों में, उसी तरह इन जो ये काले धन या टेरर फंडिंग जैसे मामले हैं इनको भी चीरा जाना जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि ये एक आर्थिक नीतिगत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ बांध कर नहीं रख सकता है, वो चुप नहीं रह सकता, वो इस प्रक्रिया की जांच जरूर कर सकता है। ठीक बात है कि नोटबंदी हो चुकी है, नए नोट आ चुके हैं, पुराने नोट जमा हो चुके हैं, लेकिन जो नोटबंदी की प्रक्रिया थी उसमें सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, भविष्य में किस तरीके से नोटबंदी हो, ये तमाम सवाल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखे थे। और एक बहुत बड़ा फैसला आने की उम्मीद आज सुप्रीम कोर्ट से है। हालांकि 5 जजों के पीठ में 2 फैसले आएंगे, एक जस्टिस BR गवई सुनाएंगे, दूसरा फैसला जस्टिस BV नागरत्ना सुनाएंगी। हो सकता है दोनों दोनों आपस में सहमति हों, अलग हों, वो सब देखने की बात है। लेकिन नोटबंदी एक हुई 2016 में, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इसलिए क्योंकि ये फैसला अब नज़ीर बनेगा कि क्या कोई सरकार, क्या कोई सरकार या कैबिनेट कोई ऐसा फैसला अचानक ले सकती है, अचानक नोटबंदी दे कर सकती है। क्या ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है कि रातों रात आपने नोट बंद कर दिए, ये तमाम सवाल जो याचिकाकर्ताओं ने उठाए थे। ये भी कहा था कि पहले जो नोटबंदियाँ हुई थी वो अलग थी, पार्लियामेंट में कानून पास होता था पहले, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे एक फैसला ले लिया गया, अध्यादेश बाद में लाया गया, RBI की सहमति पूरी तरीके से नहीं थी, तथ्यों को छुपाया गया सुप्रीम कोर्ट से, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर थे। लेकिन केंद्र सरकार और RBI एक साथ थे, उन्होंने कहा कि ये एक नीतिगत फैसला था, जनहित में लिया गया था, टेरर फंडिंग और काले धन जैसे मामलों को रोकने के लिए लिया गया था और ये एक कारगर साबित हुआ है, आर्थिक नीतिगत मामला है, देश की कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देना चाहिए, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि वो प्रक्रिया को देख सकता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और भविष्य में किस तरीके से नोटबंदी की जाए, कैसे होगी, क्या कानून होगा, क्या रूपरेखा होगी, ये तमाम सवालों के जवाब भी वो दे सकता है, इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो इंतजार आज एक बड़े फैसले का रहेगा 10:30 बजे। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप पर हम आएंगे जब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। तो जिस तरह से आशीष बता रहे हैं 5 जज हैं, तो 2 जो जज फैसला सुनाएंगे, हो सकता है कि एक मत ना भी हो सकता है एक मत हो, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर कहा था, जब सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया था कि आर्थिक नीति का मामला है, कोर्ट इसमें दखल ना दे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अपनाई गई प्रक्रिया है उसका वो परीक्षण कर सकता है और वो आगे जो है नोटबंदी के लिए भविष्य में प्रक्रिया तय कर सकता है, क्योंकि जो दिक्कतें लोगों को आई हैं उन्हें याद रखना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के पाली में सूरी नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज जो है वो करवाया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ट्रेन के यात्रियों को बसों से अब सही जगह पर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। तो 11 जो कोच हैं वो पटरी से उतर गए। तो यहां पर अभी ये भी जांच की जा रही है कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। यहां पर आपको सुनवाते हैं जो CPRO हैं रेलवे के, उनका यहां पर क्या कुछ कहना है। इस पतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
उच्च अधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो प्रभावित यात्री हैं उन जो फंसे हुए हैं वहां पे उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पर ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन लोगों के अपने या परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें CPRO उत्तर पश्चिम रेलवे जो है उन्होंने नंबर जारी किए हैं 138 है, 101072 है। पाली मेवाड़ का जो नंबर है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप यहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं।